नमस्कार, नमो राघवाय। मैं आचार्य पंडित धनंजय कुमार पांडे आज अपने केंद्र नक्षत्र ज्योतिष केंद्र से आप सबके बीच कुछ विषयों का समाधान कैसे होता है, या अक्सर समाज में आप देखते हैं कि लोगों के गले में, हाथों में या बांह पे एक ताबीज, गंडा जिसे रक्षा कवच भी कहते हैं, अक्सर बांधे दिखाई देता है। आखिर में होता क्या है, वो गंडा ताबीज बनता कैसे है, उसके अंदर ऐसी कौन सी शक्ति है जिस पे लोगों का इतना आस्था, इतना विश्वास होता है। हमारे सनातन धर्म के उद्दिष्ट तंत्र में इसका एक बहुत बड़ा यंत्र बनाने की प्रक्रिया है। जैसे यदि महिलाओं को, बहनों को, माओं को शरीर पे काले धाग होते हैं, धब्बे हो जाते हैं, रात को बुरे सपने आते हैं, अक्सर उससे परेशान रहती हैं, परंतु उसका समाधान नहीं हो जाता। कई बार नए पुरुषों को अक्सर युवावस्था में स्वप्नदोष होने लगता है, कमजोरी हो जाती है, उसका समाधान किसी दवा से नहीं मिलता। कई बार अनैतिक बीमारियां लगती हैं, बार बार दवा कराने से या दवाओं का प्रभाव नहीं पड़ता है, तब हम किसी ज्योतिषी या अन्य जानकार लोगों के पास जाते हैं और उन्हें ताबीज के रूप में यह गंडा दिया जाता है। आखिर में ये ताबीज है क्या? एक छोटी सी ताबीज होती है जिसपे इतनी अटूट श्रद्धा क्या होता है, क्यों होता है, आज इस पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। यह एक ताबीज होता है चांदी का, जिसके अंदर पूरा खोखला होता है। इसे रासायनिक प्रक्रिया से बनाया जाता है, जैसा रूप वैसा इलाज। जैसे जब माँ बहनों को स्वप्न आते हैं, शरीर पे काले निशान पड़ने लगते हैं, सपने में पुरुष या डरावने व्यक्ति दिखाई देते हैं, उसके लिए हम एक नारायण कवच यंत्र बनाते हैं, जिसमें बीसा यंत्र भी बोलते हैं, भोजपत्र। यह तीन तरह का भोजपत्र आता है, सफेद भोजपत्र, अवच भोजपत्र और सामान्य भोजपत्र। अवच भोजपत्र सामान्यतः हम लोगों को प्राप्त नहीं हो पाता है, वो हिमालय में होता है, लेकिन श्वेत और यह सामान्य भोजपत्र अक्सर हमारे यहाँ दुकानों पर पंसारी के यहाँ मिल जाया करता है। इस भोजपत्र के ऊपर एक यंत्र बनता है जिसको बीसा यंत्र बोलते हैं या उलूक यंत्र बोलते हैं या कवच ताबीज यंत्र बोलते हैं। इसे बना करके, इसकी बनाने की प्रक्रिया बहुत जटिल है, इतना आसानी से नहीं बनता। इसके ऊपर पहले एक भस्म का लेप किया जाता है, जैसे कि अलग अलग किसी कुछ चर्म रोग हो गया है शरीर में, दवाई से नहीं होता है, किसी अनैतिक शक्ति के द्वारा प्रदत्त चर्म रोग है, तो इस पे स्वर्ण भस्म का लेप किया जाता है। और इसके ऊपर आप देख रहे होंगे, इसका नाम है मुस्क अंबर। इस मुस्क अंबर का रेट लगभग 42,000 रुपया किलो है। एक बार आपके हाथ में लग जाए तो इसका महक जल्दी जाता नहीं है, कस्तूरी भी इसको बोलते हैं। स्वर्ण भस्म के लेप के ऊपर इसे लगाया जाता है। उसके बाद हाथी के दांत का बुरादा, जिसके ऊपर चमेली के तेल को मिक्स करके या इत्र को मिक्स करके इसके ऊपर बहुत बारीक मात्रा में रखा जाता है। उसके ऊपर केसर के एक दो दाने, शुद्ध जो केसर होता है, काफी महंगा आता है, और इस केसर के एक या आधे दाने को उस पर रखा जाता है, इस भोजपत्र के ऊपर। उसके बाद नंबर आता है पारा का। पारा का आपको नाम सुना अक्सर थर्मामीटर में आपने देखा होगा, लेकिन ये पारा बाहर मिलता है, काफी महंगा आता है, जिसे मिलीग्राम में निकाल करके इसी भोजपत्र के ऊपर पुनः रखा जाता है। इसके ऊपर इत्र, नौगंध, चंद्रमणि, स्वर्ण भस्म, शंख भस्म और भी बहुत सारी सामग्रियां हैं, जिसमें लगभग 22-23 तरह की रासायनिक सामग्रियां
इस भोजपत्र के ऊपर रख करके इसे पतले कच्चे सूत से बांधा जाता है। कच्चे सूत से बांधने के बाद दीपक जला करके कुछ मंत्र हैं जिसको हम गोपनीय रूप में उसको रखा जाता है, हम बता नहीं सकते, और बताने से भी किसी करने से वह हो रहा कि उस मंत्रों को सिद्ध करना पड़ता है। बिना सिद्ध किए, जैसे हम मानव हैं, मेरे पास कोई टेक्निकल ज्ञान नहीं है तो हम कुछ भी नहीं कर सकते, उसके लिए पार्टिकुलर कहीं जाकर सीखना पड़ता है, डिग्री लेनी पड़ती है, अपने आप को उसमें पारंगत करना पड़ता है। सेम उसी प्रकार की क्रिया है, उस क्रिया में आपको किसी अच्छे जगह पे जाकर के पारंगत होना पड़ता है। इसको बांधने के बाद हम कच्चे सूत से खूब बारीक रूप से बांधते हैं चौड़ चौड़ ताकि इसमें से कोई सामग्री बाहर ना आ पाए। पुनः इसको इत्र और चमेली के तेल में डाल करके एक दिए में कंडे का तिकोड़ा बना करके उसके ऊपर रख करके नीचे से आग से इसको उसमें बॉयल किया जाता है। एक बार में एक बनाने पर बहुत महंगा पड़ता है, इसलिए एक बार में 15, 20 या 30 बनता है। 3 घंटे के मंत्र जाप के बाद यह तैयार कर इसे इसी ताबीज के अंदर हम भर देते हैं, और जब सभी सामग्रियों का आपस में जब मेल होता है, आपस में क्रिया होती है, तो एक शक्ति पैदा होता है, और वह शक्ति का लेयर आपके शरीर को हमेशा बांध के रखता है, आपकी इम्यूनिटी पावर को बढ़ाता है, प्रतिरोधक क्षमता को आपको बहुत ऊपर कर देता है। यही ये तो हो गई रोग की बात। कई बार ऑफिस में, कार्यालय में, समाज में हमको देख के लोग जलते हैं, द्वेष करते हैं, उस स्थिति में सम्मोहन वंटिका बनता है। जैसे हम मंच पर जाएं, कथा बाँचने जाएं, या कहीं भी समाज में अपना वर्चस्व पाना हो, उसके लिए कनिष्ठिका काने के रक्त इस भोजपत्र पे मोहिनी यंत्र बना करके स्वर्णवंग, स्वर्ण भस्म, इलायची, लवंग का फूल, अन्यत्र और सामग्रियां होती हैं, 23 सामग्रियां पड़ती हैं, जिसको भोजपत्र के ऊपर लेप करके उसे सिद्ध किया जाता है 3 घंटे कंटिन्यू, और उसे ताबीज के अंदर भर कर धारण करने से सामने वाला व्यक्ति आपके आकर्षण हो जाता है, आकर्षित हो जाता है, आपके वशीभूत रहता है, आप जो कहते हैं उस कार्य को मानता है। ऐसी ऐसी अलग अलग विधाओं की बहुत सारी प्रक्रियाएं हैं, और यह इतना सामान्य नहीं है, हर कोई व्यक्ति नहीं कर सकता। ताबीज तो लगभग लोगों के गले में दिखाई देता है, लेकिन इसकी बनाने की प्रक्रिया बहुत ही जटिल है। एक यंत्र बनाने में बढ़िया से बने तो कम से कम 3,000 रुपये से ऊपर का खर्च आता है, और एक बार बन जाएगा तो यह 3 वर्ष तक आपका कोच बना रहता है, तो हमेशा सामान्य सबके लिए बनता भी नहीं है और सब लोग बनवा भी नहीं पाते हैं। विषम परिस्थिति में लोगों के लिए बनता है, अन्यथा सामान्य ताबीज में कम समय लगता है और कम सामग्रियां पड़ती हैं जिसे बन जाता है, जो सबको दिया जाता है। लेकिन विशेष फल प्राप्ति के लिए, विशेष सुरक्षा के लिए, विशेष रोगों से बचने के लिए, विशेष सम्मान प्राप्त करने के लिए यह ताबीज की बहुत बड़ी प्रक्रिया है, इतना आसान नहीं है। इसको पारंगत भी अच्छे गुरु के शरण में रहने से ही मिलता है, और इसको सिद्ध करने के लिए भी स्वयं को पहले सिद्ध होना पड़ता है, और एक बार यह बन जाए तो आपकी दशा और दिशा दोनों को बदलता है, मैंने लाखों लोगों का बदला है, स्वयं अपना भी बदला है मैंने, जिसका मैं स्वयं का साक्षी हूं। लेकिन नित्य यह नहीं बनता है, यह अमावस्या की रात्रि, पूर्णिमा की रात्रि, पुख्य नक्षत्र या मघा नक्षत्र में बनाने का लोक तंत्र में विशेष विधान है, और उसी नक्षत्र में बनाया जाता है। बालक का सूखा रोग होने पर हाथी का दांत, श्यार सिंघी, हल्दी सिंदूर, तारु हल्दी के साथ कुछ और सामग्रियां मिलाकर यदि बना करके बच्चे या बालक के गले में डालने से बालक का सूखा रोग समाप्त हो जाता है। माओ को प्रसव के बाद रक्त नहीं होता है, बनता है शरीर में, या दुग्ध नहीं उतरता है बालकों के लिए, उस स्थिति में रक्त संचारण यंत्र बनता है, जिसके चलते माओ को दूध निकलने लगता है। इसी प्रक्रिया से कई बार गाय या भैंस को भी दूध न निकलने पर या उसे परेशानी होने पर इससे बड़ा यंत्र बनता है, जिसमें 5 साथी समान पड़ते हैं, उससे पशुओं को भी लाभ मिलता है। तो यह एक रासायनिक प्रक्रिया है, तंत्र विज्ञान है, साधारण नहीं है कि हम लाए एक लौंग इसमें भर दिए, 2 मंत्र बुझा दिए और ताबीज बन गया, ऐसा नहीं है। इसकी बहुत ही जटिल प्रक्रिया है,
और विशेष बन जाने पर इसका विशेष लाभ तुरंत दिखाई देता है। यहाँ हॉस्पिटल में लाखों लाख देकर आपको निजात नहीं मिल पाता है, ये छोटा सा यंत्र आपके जीवन को बदल देता है। शायद ये जानकारी कोई आपको नहीं दिया होगा, मैं पहली बार दे रहा हूँ क्योंकि बहुत ही गोपनीय रहस्य है और अभी भी इसमें बहुत रहस्य है जिसको मैं न बता सकता हूँ न बताने की इजाजत है। इतना ही आप जान जाएं कि यह होता क्या है। बस इस ज्ञान के लिए मैंने आज इसको प्रदर्शित किया आप सबके बीच। इस ताबीज के अंदर बहुत सारी सामग्रियां पड़ती हैं। देखन में छोटन लगे चोट करे गंभीर, वही इस ताबीज की है। तो इसकी प्रक्रिया बहुत लंबी है, बहुत विश्वसनीय है और बहुत तप होने के बाद तपने के बाद यह बन पाता है। नमो राघवाय, नमस्कार,